190 की क्या भैया? रशियन के दूध की चाय बना रहा हो क्या? तेरी बहन की छिनाल मारू तमंचा वमंचा हाथ में, तू दिखाई ना दे रही हो। तेरे घर में डाका डल चुका है, क्या कहते हैं हम? रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। तारे गिन गिन याच देनी मैं तर जाकर रतनू, रोक न पावा अखियां विचों गमदियां बरसतनू। दिलावर सही कह रिया था तू, पहली झटकी में हम मालदार हो गए। कम से कम 7 से 8 लाख रुपए का कैश है। इतना मोटा जबरे वाले का ठीक है, आगरा तक पहुँचेंगी, ये ध्यान रखिए। हमारे बाद महफिल में अफसाने बयां होंगे, बाहर हमको ढूंढेंगे, न जाने हम कहां होंगे। पूरे गांव पे अब कब्जा है दिलावर का। ऐसा है, सरकार से भिड़ने की मत सोच ली है, न गाड़ का 10,000 फीट गहरा कुआ कब बन जाएगा तुझे भी पता न चलेगा। मुझको राणा जी माफ कर देना, गलती मारे पे हो गई, जंगल में कांड हो गया। अबे कहाँ हो दोनों के दोनों? कितनी जरूरी बात करने के लिए यहाँ पे मीटिंग रखी है, तुमसे अभी तक नहीं आया जा रही। बड़ा बड़ा अबे भैया, कितने वीआईपी रेस्टोरेंट में बैठा हूँ मैं, आज तक मेरा बाप ना बैठा होगा। बैठा तो है तेरा बाप पहले से ही है। कभी यार इतने वीआईपी रेस्टोरेंट में हम ना आए, लेकिन तेरे जैसा भिखारी यहाँ कैसा आ गया? देख बेटे, लटका हुआ आड़ भी होता है, लटका हुआ फलान भी होता, लेकिन दोनों में जमीन और आसमान का अंतर होता। मैं फलान हूँ, तू कितना भी लटक जाएगा ना रहेगा मुझसे नीचे ही। मेरी बराबरी पे अपनी गिनती मत कर रो सालो। अरे यार चल ठीक है, लेकिन तू ये इतने वीआईपी रेस्टोरेंट में मीटिंग रखने की जरूरत थी? तू पता कितने हरामियों में यहाँ के वेटर फटाफट इंग्लिश बोले हैं, और हमारी हालत देख के तो ऐसे भगा देंगे हमें। अबे चल बे, तुझे ही तो भगा देंगे, मुझे थोड़ी, तेरे भाई का स्टाइल है अलग। ऐसी टिप फेंक के मारूंगा वेटर के मुंह पे, आगे पीछे अलग घूमेगा मेरे कंधे दबागा। ओनली सी मी वेटर। जी सर। ये पकड़ो 100 का नोट, 3 चाय बहुत शानदार वाली और 2 ब्रेड पकौड़े, बाकी जो बचे तुम रख लेना टिप हमारी तरफ से। सर यहाँ पर 1 चाय 190 रुपये की है। 190 की क्या भैया? रशियन के दूध की चाय बना रहा हो कैसे? सर बदतमीजी बातें मत करो, और आपने ये पानी जो वेस्ट कर दिया ना, ये 90 रुपये कीमत की बोतल का पानी था। तो मेरे भाई गलती हाथ लगा दिया इस बोतल को, मुझे तो लगा सरकारी नल पे से भर के रख दिया थी क्या। लो इसके काट लो फिर पैसे इतने, और क्या। सर आपके 10 रुपये बचेंगे, लाने हैं या फिर टिप रख लूं? ना टिप का भी हिसाब ना भाई, सब ला दो। रोला टिप स्टाइल क्या हुआ अब? अब भी कह रही हूँ चल ले यहाँ से, अपनी औकात देख के बैठ जाएंगे किसी ढाबे पे। अच्छा यहाँ अब जरूर चला जाऊंगा, 90 रुपये की पानी की बोतल लिए थोड़े ना बहुत, अब तो यहीं बैठूंगा 4-5 घंटे एसी में ही। बाहर तो बहुत गर्मी हो रही है, मुझसे नहीं बैठा जाएगा। अबे भैया ऐसा कैसे बैठने देंगे खाली पानी की बोतल में, जब तक खाने पीने का ऑर्डर ना देगा तू। बिना खाने पीने के ऑर्डर दिए हुए तो ये भगा देंगे। वो हाथ ही कट जाएगा जो दिलावर को भगाने आएगा। लीजिए सर आपका 10 का नोट। और सर खाने में क्या लेंगे आप? खाने में कुछ नहीं लेंगे, 2-4 घंटे यहीं बैठ के आराम करेंगे, कोई हमें परेशान ना करे, जाओ यहाँ से। लेकिन सर आप बिना खाने का ऑर्डर दिए यहाँ नहीं बैठ सकते इतनी देर? ऐसे कैसे नहीं बैठ सकते भाई, इतना महंगा पानी लिया हमने यहाँ पे, यार क्यों नहीं बैठेंगे, हम तो यहीं बैठेंगे। सर आप पानी की बोतल लें या कुछ भी लें, बिना खाने का ऑर्डर दिए हुए नहीं बैठ सकते, और भी कस्टमर है ना हमारे पास। अगर पूरी दुनिया के किसी बाप में हिम्मत है तो यहाँ से मुझे उठा के दिखावे। तूने तो उठाने हुए थी, इन्होंने उठा के फेंक दिया। अपने मोबाइल का कैमरा निकाल, इसकी यही बीच चौराहे पे गाड़ मारूंगा, और तू बनाना वीडियो इसकी, मेरा चेहरा मत लेना या मेरे चेहरे पे स्टिकर मार देना लाल दिल का।
टेंशन मत लो, ये ढाबा अपनी औकात में है, यहाँ तो मस्त बैठेंगे। जब तुझसे वहाँ पे कह रहा था कि यहाँ से चल ले, लेकिन तू वहाँ पे अंग्रेज बन के दिखा रिया। अब तेरी इज्जत ना तो तू अपनी बेइज्जती करवा, हम दोनों क्यों घसीटता साथ में, पता कितनी बेइज्जती करवा दी ना आज हमारी, मुंह दिखाने के लायक न रहे मैं कहीं भी, दिल दुखा पड़ा आज मेरा। अबे चुप, हाथी के भोसड़े चीखे जा रही, बेइज्जती बेइज्जती तेरी गाय की बेइज्जती। अबे जिसकी इज्जत है वो तो कुछ बोल न रही, तू कुत्ते की तरह भोगे जा रही है साले। अभी पोल खोल दूंगा 2 मिनट में, तेरी अम्मा जुनैद भाई से सेट है पकौड़ी वालों से। वैसे यार देख, बदनामी तो हुई है, ये बात तो तुझे भी माननी पड़ेगी। अरे यार तुम दोनों पागल हो, कौन हो, बेइज्जती होती अगर कोई और आदमी देख लेता हमें, हम तीनों ही तो थे वहाँ, हम एक दूसरे की बात किसी से कंगे थोड़ी, कोई और एक भी आदमी देख लेता तो मुझे सबर था कि हाँ बेइज्जती हो गई। हाँ वैसे ये भी सही कह रही। अब ओए, अभी तुम्हें वहां से निकाला धक्के मार के, अब तुम यहाँ आगे बैठ गए, तुम्हें शर्म ना आती? कम बोल ले साले कम, और जा फटाफट घर को चला जा, ना अंधेरा होने वाला, दिखाई भी ना देगा काली है भाई यहाँ से। यार तुम तो एकदम मुंह फुला लेते हो, कितनी बड़ी दुनिया है, एक आदमी ने देख भी लिया तो इतनी बात खराब थोड़ी हो गई। अब रुक रुक, देखिए बैठे तेरे जिनके बारे में तुझसे मैं बता रिया, जिसने नहीं देखा वो भी बेटी चोर।